इस ट्रिप में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंगापुर और इनक्लाइन का ये लॉन्च है और ये बिज़नेस क्लास के लिए एक लॉन्च है जो हमें एक्सेस मिला है अभी और रियली वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर ऑफरिंग एज फूड गुड डेजर्ट्स एंड गुड फूड ऑल टुगेदर वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई एम नॉट कवरिंग इट इन डिटेल बट इट इज़ रियली फन इन दैट सेंस इट्स माय फेवरेट एपिगामिया इज ऑल्सो देयर सो इट्स एक्चुअली वेरी नाइस एज अ लॉन्च and it's actually a little peaceful because the other lounges are very 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 full and so many people are there so in that sense it is fine but it also hosts a small library and a business area where you can do your emails and basic internet facilities there also there is spa and sleeping pots and shower room so that is something which is I could say very very different from the other spa I have ever visited and also offers a fresh juice. So it's a very large facility and it's very interesting that way. So it's a good start of the trip. Let's see what all is there in this trip to Singapore and Vietnam. This is the second lounge which is the normal lounge. We last clip was from a business class lounge that was privy lounge and after this this is a good start of the travel with a lot of food and further the flight will also offer a lot so she has bought some Korean type clothes so hum more हम पहुंच गए हैं चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर और जैसा सिंगापुर है स्नेहम सोहम हेलो वेलकम टू सिंगापुर और यहाँ पे एक रोबोट क्लीनिंग कर रहा है वो खुद पाथ फाइंड कर रहा है और वैक्यूम करते चला जा रहा है तो लेट्स बी होपफुल कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंगापुर टूर होने वाला है सारी स्टडी करके हर्षा आई है तो ये था एक एक्चुअली ये डिजिटल स्क्रीन है बट द वे दे क्रिएट एन एफर्ट एकदम इफेक्ट एकदम 3D इफेक्ट आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक वाटरफॉल है और वहीं से गेट है और इतनी सारी पढ़ाई करके आ गई है फ़ोटो खिंचाने के लिए सो हम कहाँ गया सो हम तो ये फोटो में बूथ है $12 में ये कर देगा मैंने इसको पहली बार नीदरलैंड्स में देखा था तो आप खड़े बैठ जाइए आपका तुरंत पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रिंट करके दे देगा तो जो कॉस्टली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरीके की बिना ह्यूमन इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं अब हम T3 की स्काई ट्रेन लेने जा रहे हैं जिससे हम ज्वेल देखेंगे और फिर हम वापस फिर सिटी की ओर जाएंगे एक्चुअली ये ज्वेल का फर्स्ट लुक दिखने लगा है और हम ज्वेल जा रहे हैं और सिंगापुर का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और ये है स्काई ट्रेन स्नेहम जी कैसा लग रहा है स्काई ट्रेन में अच्छा लग रहा है सैन फ्रांसिस्को में देखी थी ऐसी छोटी सी स्काई ट्रेन हाँ। हम ज्वेल में जा रहे हैं फ्लाइट से लेके आए हुए खाने से अब ब्रेकफास्ट किया जा रहा है क्योंकि ज्वेल चालू होने में पूरा एक घंटा है और ज्वेल का जो मेन ये वॉटेक्स है जो ये वाटरफॉल है वो चलने में पूरा एक घंटा है ये 11 बजे चलेगा ये चालू हो रहा है देखिए मिस जनरेट हो रही है बहुत ही सिस्टमेटिक एंड टाइमली हम इसको देख पा रहे हैं शो चालू हो रहा है और ये वाटरफॉल चालू होने वाला है ये ज्वेल के कुछ बूंदें आ रही हैं बहुत ही मैग्निफिसेंट फॉल है ये और इस चैनल से पानी आता है और बहुत ही बड़ा ग्रीन लैंडस्केप है एक्चुअली सब कुछ बड़ा ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है वैसे ये एक शॉपिंग मॉल है
बट लोग देखने आते हैं। बहुत सुंदर फूल हैं, इनमें से कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल पौधे हैं। बड़ी स्टडी करी इन्होंने पौधों पे और मेंटेन किया। बहुत सारे बैग लेके थकते थकते हम आगे आ गए हैं। अब मेट्रो स्टेशन के एग्जिट पे थे हम, एक बहुत इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट पे पहुँचे जिसका नाम है 100 ग्रेन्स एक्चुअली रेस्टोरेंट का नाम है, पर उनका सिस्टम है कि $3.18 पर 100 ग्राम। सो आपको जो भी खाना पसंद है आप अपने प्लेट में रखते जाइए, वो वे करेंगे और उस वजन से पैसा ले लेंगे। तो जो भी चीज़ खाना है, आपने 200 ग्राम खाना लिया तो आपको $6.36 लग जाएगा और आप वैरायटी ऑफ फूड खा पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने इसके बारे में सुना था पर आज मैंने पहली बार देखा, किसी ने मुझे बताया था इस विषय में। ये मशीन हमने अमेरिका में देखी थी, वहाँ पे $5 था, यहाँ $2 था, हमने सोचा ट्राई करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वहाँ से ऑरेंज आता है, इस चैनल में आता है, फिर 30 के यहाँ से वेंडिंग मशीन में और जूस दे देता है और ये फाइनली स्ट्रॉ दे देता है। तो ऐसे करके हमने जूस लिया है, बहुत थक गए वॉक कर करके, अब जल्दी से होटल पहुँच जाए इसी का जल्दी। रुकने का मौका मिला है सिंगापुर JW मैरियट सीरीज़ के सबसे अच्छे होटल्स में है सिंगापुर में, और ओवरऑल इनके सारे जो सप्लाईज हैं, जो सेटअप है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये सीरियसली बेस्ट है। और इसके अलावा अब इस होटल रूम में बहुत ही अच्छा सेटअप है, यहाँ एक मिनी बार दिया है, इंटरेस्टिंग है, और कॉफ़ी पॉट जिसके कारण मैंने अपने ऑफिस में कॉफ़ी मशीन लगाया है वो यही है नेस्प्रेसो का। उसमें बहुत ही सुंदर गोल्डन और डिफरेंट कलर्स के पॉट्स होते हैं और इनसे कॉफ़ी बनाया जाता है। और ये है पानी और कॉफ़ी डिस्प्ले। एक स्टोरेज एरिया, इसके बाद इस ट्रैवल में आने का रीज़न ये था कि एक अच्छा स्टे था, मैं ऑफिस के काम में बिजी रहने वाला था, तो मैंने बोला कि फैमिली शुड एक्सप्लोर दैट। और ये कस्टमाइज वेलकम है इनका, और एक ट्विन बेडरूम हमने यहाँ पे लिया है। और सिंगापुर की एक अच्छी बात है कि आप जब भी सिंगापुर के किसी भी होटल में आएंगे तो वहाँ आपको 2-3 डिफरेंट धर्मों की बुक देखने मिलती है। धर्म जो है वो एकदम अलग है रोज के लाइफ से, वो एक पर्सनल मैटर है और उसको प्रमोट भी करते हैं, पर साथ साथ तो इसलिए होटल्स में धार्मिक बुक देखने मिलती हैं। हमें रूम 15th फ्लोर पर हमारे लिए बुक हुआ था, बट हम थोड़ा जल्दी आ गए 1 घंटे पहले, तो हमें बोला गया कि अगर आप 5th फ्लोर ले लें तो आपको हम अभी दे सकते हैं। तो ये 5th फ्लोर से व्यू है, और इसके अलावा यहाँ स्विमिंग पूल भी है तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो हम अब एक साथ बोल सकते हो 1 2